जय हिंद साथियों, नुमाडे के हिंदुस्तानी चैनल में आपका अभिनंदन है। मैं हूं आपका साथी कनव वीबी। ये एक मोठ की रोटी, बेडमी रोटी बनती है, मोठ की दाल होती है ना, उसकी गांव में हम गए थे, वहां पे रोटी बनाई थी। तो ये मोठ की दाल होती है, इसको रात भर भिगो देते हैं, तो सुबह उठ के जब वो फूल जाते हैं ना, तो उसको फिर कुंडा डंडा से ऐसे कूटते हैं। ये चूल्हे पर रोटी बनाई थी, ये देखो, इसको ऐसे थोड़ा कूट लिया जाता है। तो ये चूल्हा बल गया है, चूल्हे में आग जली हुई है। ये जो मक्की की रोटी है ना, तो इसका जो मोठ की रोटी है, ये तो काफ़ी वैसे गर्म होती है, सर्दियों में काफ़ी खाई जाती है गांव में। तो पानी गर्म कर लिया है आटे में डालने के लिए, और ये इसमें डालने के लिए अदरक, प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, ये भी इसके अंदर ही काट के ना, फिर इसको इसमें कूट के फिर मिक्स कर दी जाती है, फिर उसके बाद बनाई जाती है मक्की की रोटी। तो ये सर्दियों में तकरीबन महीने में एक या दो बार खा लेनी चाहिए, जिससे कि आप लोगों को कोई जैसे पेन वगैरह है ना, वो भी नहीं होते। तो ये मक्की की रोटी का टेस्ट बहुत बढ़िया आता है, बेडमी रोटी इसको बोलते हैं, मोठ वाली मक्की की बेडमी रोटी। ये अदरक काटा जा रहा है, तो अदरक को काट के फिर प्याज काट लिया है, हरी मिर्च काट ली है, ये हरी मिर्च आ गई है, हरी मिर्च काट लिया है, और लहसुन वो भी काट लिया है। इनको काट के ना, जैसे ये देखो जग में धो लिया है, धो के उधर ये कूटा जा रहा है मोठ। तो काफ़ी गेस्ट आ जाते हैं, तो उनको बनानी थी, तो इसलिए काफ़ी मोट कूटे ये जो प्याज वगैरह हैं, अब उसको ऐसे इसमें कूट लेंगे। मिक्सी वगैरह में कूट के फिर इसका मज़ा नहीं आता। तो ये इसमें मसाला डाल दिया है, नमक डाल दिया है, बस दो ही मसाले इसमें डालते हैं। अगर चाहे तो आप हरा धनिया भी इसमें डाल सकते हो, जिससे तो इसका फ्लेवर बढ़िया आ जाए। ये मक्की का आटा छान लिया है, अब इसकी रोटी बनाई जाएगी। ये जो मक्की का आटा गर्म पानी जो है, उसको हमने इसमें डाल लिया है, तो फिर इसको इसमें डाल के मक्की का आटा ताज़ा ताज़ा गूंदा जाता है। मक्की के आटे की जो रोटी होती है ना, इसको जब चूल्हे पे बनाया जाता है ना, तो उसका मज़ा ही अलग आ जाता है। बिकॉज़ इसमें एक तो जो स्मोकी फ्लेवर है वो आ जाता है, दूसरा ये जो पक जाती है ना, तो इस पर ही प्रॉपर ये पकती है। गैस पे हम बना तो लेते हैं, लेकिन उसमें इतना मज़ा नहीं आता। ये रोटी बननी शुरू हो गई है, देखो हाथ में कैसे रोटी बनाई जाती है। हमारे चाची जी हैं, तो ये गांव में रहते हैं, तो हमारे चाचा जी हैं, वो जो कूट रहे थे ना, वो हमारे चाचा जी हैं। तो वैसे तो ये मेरे हमारे बाबा जी दादा जी है ना, उसके भाई के बेटे हैं, तो ये मेरे साथ ही पढ़ते थे। हमारी उम्र तकरीबन 2-3 साल का ही फ़र्क है, तो ये चाची जी हमारे, ये तो मेरी उम्र के ही हैं। तो इसमें ये देखो रोटी बनानी शुरू कर दी है। पहली रोटी ना गांव में जब बनाई जाती है ना, तो उसका अग्नि को भोग लगाया जाता है। तो जब ये रोटी बन जाएगी, तो फिर उसको ऊपर मक्खन और मीठा डाल के ना, अग्नि को भोग लगा के, तो सबको बांट दिया जाता है, और कुछ पक्षियों वगैरह को डाल दिया जाता है। अब ये मक्की की रोटी ना, दो रोटियां बनानी पड़ती हैं इसमें, छोटी छोटी दोनों रोटियां बना के फिर इसमें ये बेडम डाला जाता है इसको। तो जैसे ये देखो रोटी बन गई है, इसका इसके ऊपर बेडम लगा दिया है, और उधर वो जो दूसरी रोटी है, वो पूजा वाली, वो पक रही है, ये इसको पलट दिया है। तो इस रोटी का जो वो चूल्हे पर तवे पर पड़ी है ना, उसका भोग लगेगा अग्नि माता को, अग्निदेव को। तो ये जो देखो दोनों रोटियां जोड़ दी हैं, इसमें ना काफ़ी जो आदमी एक्सपर्ट होता है, मतलब एक्सपर्ट का मतलब ये है कि जिसको बनाने का काफ़ी एक्सपीरियंस होता है ना, वो इसको आराम से बना लेता है। देखो हाथ में अब दोनों रोटियां कैसे एक दूसरे से चिपक गई हैं, जैसे ये जो टूट गया ना, इसको पानी का थोड़ा ऐसा हाथ लगा के इसको बंद कर दिया था। आटा भी बढ़िया होना चाहिए, गाँव में बढ़िया मक्की का आटा मिल जाता है। इसका कलर ना येलो होना चाहिए, अगर लाइट येलो है ना, तो इट मींस वो मक्का है, मक्की नहीं है।
वो रोटी बन के तवे के ऊपर डल गई है और फिर तवे के ऊपर ये देखो भोग लग गया है। अग्निदेव को ऐसे भोग लगाया जाता है, ये हमारे चाचा जी हैं भोग लगा रहे हैं, तो अग्निदेव को भोग लगा के तो फिर उसके बाद रोटी खाई जाती है। ये रेसिपी मैंने आपके रेफरेंस के लिए शेयर की है, अगर आप बनाना चाहो तो ऐसे बना सकते हो। तो आपने ये वीडियो देखा उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ऐसे ही आप हमें प्यार देते रहना। थैंक्स फॉर योर टाइम। नमस्कार। जय हिंद।